हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी का पोर्शन कवर करने जा रहे हैं, वाजीराम क्यूब रीजन पार्ट टू। लेट अस स्टार्ट। जो पहला टॉपिक है वो है रिलेटेड प्रोटोकॉल्स टू टैकल थ्रेट ऑफ स्पाई बैलून्स। तो चाइना बहुत सारे स्पाई बैलून्स भेजता रहता है दूसरे कंट्रीज में, यूएस में भी भेजते थे पिछले, यूएसए ने काफी मार गिराए थे। तो इंडियन मिलिट्री ने अभी इसके लिए टैकल करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स इशू की है, ठीक है। ये इशू की गई है इंडियन मिलिट्री के द्वारा, ज्यादा इसमें और तरीके लिहाज से कोई काम की न्यूज नहीं है। नेक्स्ट इज अमेंडमेंट टू द रूल्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस brought the prevention of money laundering amendment rules 2023. तो ये जो money laundering है वो कौन से ministry के अंदर आता है, money laundering act है वो, within the purview of ministry of finance. इसको कौन implementing body, कौन सी इसकी enforcement कौन करता है, enforcement director ED, ठीक है। these changes are in line of the FATF. We are a member of FATF. तो उसके जो recommendation होते हैं money laundering के regarding, उसको implement करने के लिए इस rules को amend किया गया है अभी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि हाइलाइट्स ऑफ द अमेंडमेंट हम देखें तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के बारे में बताते हैं। तो रूल्स रिगार्डिंग पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, इसमें कौन से आते हैं? पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन होते हैं जिस जो कि फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, फंक्शनरीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सीनियर ब्यूरोक्रेट, जज, मिलिट्री पर्सनल, और पीपी कवर्स द इंडिविजुअल वर्किंग फॉर ए फॉरेन कंट्री, सीनियर पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ठीक है। तो अर्लियर दिस एंटिटीज वर नॉट इंक्लूडेड इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, इनको इंक्लूड नहीं किया गया था, अभी इनको इंक्लूड कर लिया गया है। किसको? पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। ये पूछा जाता है दिस टर्म इज रिलेटेड व्हाट, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनके लिए इन पर्सन के रिगार्डिंग क्या है, बैंक्स को अलग इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा और गवर्नमेंट जब चाहेंगे तो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इनका रिकॉर्ड किस किस में होगा, नेचर एंड वैल्यू ऑफ इनके जो ट्रांजेक्शन करेंगे उनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा गवर्नमेंट बैंक्स को, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर एनजीओस। तो एनजीओ की इन्फॉर्मेशन, एनजीओ को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ता है एफसीआरए के, एफसीआरए के अंदर, ठीक है। तो यदि फॉरन डोनेशन रिसीव करते हैं तो एनजीओ आर रजिस्टर्ड अंडर दर्पण पोर्टल ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग का दर्पण पोर्टल है, उसमें इनको रजिस्टर करना पड़ता है, और जिसमें इनकी जो डिटेल्स होती है बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रजिस्टर द डिटेल ऑफ सच क्लाइंट ऑन द दर्पण पोर्टल। उनका जो अकाउंट वगैरह है उनकी डिटेल है वो दर्पण पोर्टल में बैंक्स वगैरह को देनी पड़ती है, ठीक है। दर्पण पोर्टल किसका है? नीति आयोग का, ठीक है। एंड एनजीओ पहले हमने देखा है पॉलिटिकली कौन सा, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन पीपी, दूसरा एनजीओ के लिए है, तीसरा है रिपोर्टिंग एंटिटीज के लिए भी कुछ गाइडलाइन चाहिए इसमें। तो रिपोर्टिंग फॉर आइडेंटिफाइंग द बेनिफिशियल ओनर ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी कि मीडिया हाउसेस वगैरह है तो उसमें किसी की ओनरशिप मानी जाएगी वो, यदि 10% ऑफ उसके पास शेयर है और कैपिटल है उनकी भी क्या है रिपोर्टिंग एंटिटी के ओनर्स की डिटेल को भी इनको कलेक्ट करना पड़ेगा बैंक वगैरह को। रिगार्डिंग क्रिप्टोकरेंसी, तो क्रिप्टोकरेंसी के रिगार्डिंग भी इन रूल्स में कुछ बोला गया है। तो इसमें क्या है, ट्वीटिंग द पीएमएल रूल्स ब्रॉड द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो एसेट, तो क्रिप्टो एसेट के जो ट्रांजेक्शन है उनको मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर मिला दिया गया है, ठीक है। तो ईडी इज मेन एजेंसी फॉर प्रोबिंग द एलिगेशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। तो हमने ये पहले भी देखा है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया था 2002 में टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड कन्फिस्केट द प्रॉपर्टी व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉन्ड्रड मनी। इसका फोर्स में आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये 2002 में आता है, परंतु ये फोर्स में कब आता है, 2005 में फोर्स में आता है, 2005 में, ठीक है, 1 जुलाई 2005। This act has undertaken various critical changes हुए हैं, इसमें amendment हुए हैं, 2012 में भी इसको amend किया गया था, 2019 में भी इसको amend किया गया था। तो this act gives blanket power to ED for seizing, investigating, searching and attaching asset. तो इसमें ED को काफी ज्यादा power दी गई है इसमें, आए दिन न्यूज़ में देखते हैं हम ED को। तो financial action task को establish किया गया था 1989 में with the endeavor of G7 country to create a battle for money laundering को combat करने के लिए, and FATF money laundering as well as terrorist financing को भी देखती है। तो इसके अंदर एक ब्लैक लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट होती है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ब्लैक लिस्ट में क्या है, ग्रे लिस्ट में क्या होता है, ग्रे लिस्ट इज क्रिएटेड टू चेक इट्स नेशनल प्रोग्रेस ऑन मेजर्स रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म, यानी कि जो इसके मेंबर हैं एफटीएफ के वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं, वो इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं विद रिस्पेक्ट टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। सेकंड इज ब्लैक लिस्ट है, तो ब्लैक लिस्ट में कौन सा आते हैं, नॉन कॉपरेटिव कंट्रीज आते हैं, जैसे कि ईरान को डाला गया है, शायद ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, वो ब्लैक लिस्ट में है। तो अभी पिछले साल हम पढ़ चुके हैं पहले पार्ट वन पार्ट टू में कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट इज अफसा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हैज बीन लिफ्टेड फॉर फ्रॉम मोर एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कब लाया गया था, 1958 में लाया गया था, एंड इट वाज एनएक्टेड टू ब्रिंग द कंट्रोल उन एरियाज के लिए जहां पे डिस्टर्ब, जिनको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया गया वहां पे कंट्रोल लाने के लिए इसको लाया गया था। एंड इट वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन नॉर्थ ईस्ट में पहले इंप्लीमेंट किया गया था, फिर बाद में पंजाब में इंप्लीमेंट किया गया, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अंडर इस प्रोविजन आर्म फोर्सेस हैज बीन गिवन एम्पावर्ड टू ओपन फायर, एंटर, सर्च विदाउट वारंट एंड अरेस्ट ए पर्सन हु हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो आर्म फोर्सेस को ब्लैंकेट पावर दी गई है, इट कैन सर्च कर सकती है बिना वारंट के, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, फायर भी कर सकती है, एंड विदाउट एनी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स को। प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफिसर ऑन द ड्यूटी नीड प्रायर, जो ऑफिसर ड्यूटी पे होगा इसमें एफसा जहां पे लगा हुआ है वहां पे वो ड्यूटी पे ऑफिसर होगा, उनको यदि प्रोसिक्यूट करना है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सेंटर ने इसको रिव्यू करते रहती है बार बार, ठीक है। तो इसमें अभी क्या है, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह बढ़ा दिया गया है चौखाम, चौखाम कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में एक पुलिस स्टेशन है, तो वहां पे इसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो वहां पर अफसर लगेगा, तो अफसर कैन बी इंप्लीमेंटेड इन एरिया आफ्टर इट इज डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया था, तो वहां पर अफसर लग जाता है, ठीक है। एंड तो इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग इलाकों में ये अफसर रहा है, असम, नागालैंड एंड मणिपुर में 2023 में हम देखें तो मार्च 2023 जो इस नोटिफिकेशन से पहले क्या गया है, कहां कहां पे ये अफसर लागू है, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो मणिपुर में इम्फाल का जो एरिया है, इम्फाल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका जो एरिया है, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको छोड़ के बाकी मणिपुर में अफसर लगा हुआ है, असम, नागालैंड, मणिपुर, असक, इम्फाल, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में लगा हुआ है, कहां कहां लगा है अरुणाचल प्रदेश में, तीरप, चांगलांग, लॉन्गडिंग, प्लस 20 किलोमीटर बेल्ट अराउंड
बॉर्डर ऑफ असम, असम के बॉर्डर के लंग 20 किलोमीटर के जो बेल्ट है वहां पे अफसर लगा हुआ है एंड जम्मू कश्मीर में भी लगा हुआ है। तो कहां कहां पे होगा, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, असम, नागालैंड एंड मणिपुर के कुछ हिस्सों में अफसर लगा हुआ है, ठीक है। अभी इसको इंक्लूड कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया चौखाम में, बाकी धीरे धीरे गवर्नमेंट इसको खत्म करती जा रही है, कुछ इलाकों में इसको हटाया गया था। तो इट हैज बीन कंप्लीटली लिफ्टेड फ्रॉम मेघालय से, कंप्लीटली लिफ्ट कर दिया गया था, अफसर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मेघालय 2018 से, एंड त्रिपुरा में 2015 में अफसर से हटा दिया गया था। नेक्स्ट इज डिस्टर्ब एरिया है, डिस्टर्ब एरिया को डिक्लेयर किया जाता है सेक्शन 3 के अंदर अफसा के अंदर, ठीक है। सेक्शन 3 ऑफ अफसा एक्ट है दैट एम्पावर द गवर्नर ऑफ स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी टू इश्यू ए नोटिफिकेशन इन गजेट ऑफ इंडिया टू इसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने के लिए गवर्नर ऑफ स्टेट या फिर वहां का एडमिनिस्ट्रेटर होता है उस यूनियन टेरिटरी का, तो वो उसमें गजेट में नोटिफिकेशन इशू करते हैं एंड देन सेंटर हैज अथॉरिटी, तब उसको मान लिया जाता है कि डिस्टर्ब एरिया हो गया, तब कोई भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया गया तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आर्म फोर्सेस भेज सकती है वे फॉर सिविलियन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी सहायता करने के लिए, एड करने के लिए। एंड द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर दोस एरियाज डिस्टर्ब बाय रीजन ऑफ जहां पे क्या है डिस्प्यूट चले आ रहे हैं या फिर पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस चले आ रहे हैं, डिफरेंसेस किस किस कारण के हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, रेशियल डिफरेंसेस, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, रीजनल ग्रुप्स, कास्ट और कम्युनिटीज के कारण जहां पे झगड़े वगैरह होते रहते हैं, तो वहां पे ये उन एरियाज को डिस्टर्ब एरिया माना जाता है, ठीक है। एक बार यदि किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया गया तो उसको 3 मंथ तक उसका स्टेटस क्यों रहता है, तो एक बार डिक्लेयर कर दिया तो वो कम से कम 3 मंथ तक डिस्टर्ब एरिया रहेगा, ठीक है। ऐसा लगा हुआ है डिस्टर्ब एरिया स्पेशल कोर्ट एक्ट 1976 के अंदर में, डिस्टर्ब एरिया स्पेशल कोर्ट एक्ट 1976 कहता है, 1976 वाला कहता है कि स्टेटस को फॉर मिनिमम ऑफ 3 मंथ, तो 3 मंथ के लिए वो कम से कम वो रहेगा, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेक्शन 3 के अंदर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बिना स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन लिए, बिना ओपिनियन लेती है, तो उसको बिना ओपिनियन लिए भी क्या है अपॉइंट कर सकती है, डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सजेस्ट कर सकती है कि जहां कहां कहां पे लगेगा, परंतु उसको रूल किया जा सकता है गवर्नर और सेंटर के द्वारा अंडर सेक्शन 3। तो इसमें सेंटर सेक्शन 3 के अंदर सेंटर कैन डिक्लेयर एन एरिया डिस्टर्ब एरिया विदाउट टेकिंग कंसेंट फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। सेक्शन 4 के अंदर क्या है, सेक्शन 4 के अंदर इट अकॉर्ड्स सर्टेन पावर टू ऑथराइज ऑफिसर, तो यानी कि वो फायर ओपन कर सकते हैं इवन इफ इट रिजल्ट इन डेथ, एंड इसके अंदर जो सेक्शन 4 के अंदर क्या पावर दी है, फायर करने की पावर दी है इवन इफ इट रिजल्टिंग इन डेथ। दूसरा इसके अंदर क्या है, अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के। तीसरा इसमें प्रॉपर्टी को सर्च किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है विदाउट एनी वारंट। सेक्शन 7 ऑफ अफसा के अंदर क्या किया जाता है, सेक्शन 7 के अंदर इट मैंडेट्स प्रायर एग्जीक्यूटिव परमिशन की जरूरत पड़ती है यदि उन ऑफिसर को प्रोसिक्यूट करना है तो, ठीक है, आर्म फोर्सेस के प्रोसिक्यूट। नेक्स्ट इज कोर्ट मार्शल, तो अभी कुछ एक बंदे का कोर्ट मार्शल किया गया था, इसलिए था, तो कोर्ट मार्शल क्या होती है, मिलिट्री कोर्ट होती है। तो कोर्ट मार्शल इज ए टाइप ऑफ मिलिट्री कोर्ट दैट इज एम्पावर्ड टू ट्राई द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, तो ऐसी जो आर्म फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं उनको यदि मिसकंडक्ट करते हैं आर्म रूल का, तो उसको कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। तो इसमें जो मिलिट्री ऑफिसर होते हैं कोर्ट मार्शल में क्या होते हैं, मिलिट्री ऑफिसर होते हैं दैट्स हाउ इज बोथ जज एंड जूरी सर्व करते हैं मेनली टू मेंटेन डिसिप्लिन ऐसा किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 33 है आई थिंक मिलिट्री रूल्स है ना, वो तो मिलिट्री रूल्स है। तो व्हाट इज लीगल रिकोर्स अवेलेबल टू एक्यूज, यदि किसी को कोर्ट मार्शल कर दिया गया उसके पास में क्या है, तो कोर्ट मार्शल करने से पहले भी क्या है, किसी को मान लेते हैं ए पर्सन है उसको क्या है कोर्ट मार्शल किया जाना है, तो उसके पास लीगल रेमेडी क्या रहेगी, तो उससे क्या है कोर्ट मार्शल होना है, उससे पहले कोर्ट मार्शल जब होता है उससे पहले भी क्या है वो प्री कंफर्मेशन पिटीशन फाइल कर सकता है विद आर्मी कमांडर के पास में, ये पिटीशन दे सकता है कि वो मैं दोषी नहीं हूं, ठीक है। विच मे लुक इनटू द मेरिट, तो प्री कंफर्मेशन पिटीशन कैन बी फाइल विद आर्मी कमांडर, यदि किसी का एक बार ये हो जाता है तो उसके बाद में एक पोस्ट कंफर्मेशन पेटिशन फाइल की जा सकती है एंड इट इज फाइल पोस्ट कंफर्मेशन जो पेटिशन होती है वो गवर्नमेंट के पास फाइल की जाती है, ठीक है। तो प्री कंफर्मेशन वाली है वो आर्मी कमांडर के पास जाती है, पोस्ट कंफर्मेशन वाली है वो गवर्नमेंट के पास फाइल की जाती है। इसके अलावा यदि ये दोनों रेमेडी खत्म हो जाती है जिस बंदे के पास में अक्यूज के पास में, तो वो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल के पास में भी जा सकता है। देन उसके बाद में अल्टीमेट रेमेडी है वो प्रेसिडेंट के पास लाई जाती है, प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 के अंडर पावर दी है, तो बहुत सारी पावर दी है, पार्डन करने की, रिप्राइव करने की, रिस्पाइट करने की, रिवीजन करने की, प्रेसिडेंट अंडर द कोर्ट मार्शल की जो पावर है केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास है अंडर आर्टिकल 72, तो प्रेसिडेंट कैन पार्डन रिप्राइव, ठीक है, गवर्नर नहीं कर सकता है कोर्ट मार्शल की पावर को यूज नहीं कर सकता है। द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज प्रोपेक्स, तो ये इंडियन नेवी ने एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की थी इंडियन ओशन में, इट इज अ मेजर ऑपरेशनल लेवल थिएटर एक्सरसाइज थी इसकी, एंड इसमें क्या है एक्सरसाइज सी विजिल एंड एक्सरसाइज एम्फेक्स, दो एक्सरसाइज का पार्ट थी, एक्सरसाइज प्रोपेक्स का दो एक्सरसाइज पार्ट थी, एम्फेक्स एंड सी विजिल, ठीक है। तो इसमें तीनों ने भाग लिया था, आर्मी ने भी लिया था, नेवी ने भी लिया था, एयरफोर्स और चौथा कोस्ट गार्ड, तो चार इसने एजेंसीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज प्रोपेक्स में, ठीक है। तो सी विजिल इज ए कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है एंड amphibious exercise, 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 इसका यूज किया जाता है टू सेंड द रेडियो कम्युनिकेशन टू द बेस स्टेशन, तो कोई भी एयरक्राफ्ट यदि उड़ रहा है तो वो उसका जो बेस होता है उसके साथ कनेक्ट कर सकता है इसके द्वारा वायु लिंक सिस्टम के द्वारा एक एयरक्राफ्ट है उसके साथ ये कनेक्ट कर सकता है, उसके साथ मैसेज भेज सकता है, ठीक है। एंड इसमें सैटेलाइट का यूज किया गया है, यदि कन्वेंशनल जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो खराब हो जाता है इसका यूज किया जा सकता है, एंड इसमें जो है वो रेडियो वेव का यूज किया जाता है, वायु लिंक में इसका यूज किया गया रेडियो वेव का, ठीक है। तो रेडियो कम्युनिकेशन टू बेस स्टेशन से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका मेनली जो यूज होगा वो यदि कोई वार हो गया तो वार हो गया और इंडिया और उसका जो पड़ोसी देश होते हैं उसके जो कंट्री जो मित्र देश है इंडिया उसके, तो उसको आइडेंटिफाई करने में ये ज्यादा बेटर हेल्प करेगा एनिमीज को, ठीक है।
के बारे में हम देखते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेज इसको इंडेक्ट किया जाएगा, होम ग्रोन इनोवेशन है ये कंट्री का, ठीक है, दैट विल हेल्प आइडेंटिफाई डिफेंडिंग फोर्सेज इन अ जॉइंट बैटल स्पेस, ठीक है। तो इसके बारे में हमने ये देखा है, यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी वो कम्युनिकेशन सिक्योर चैनल पे होगी, इट कैन प्रिवेंट द एयरक्राफ्ट कोलिजन, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट किसका है, ठीक है। तो बहुत सारा जो वार होगा तब बहुत सारे जो उसमें चला होगा हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा है कौन सा हमारा नहीं है, हमारी सिस्टम पर अटैक कर दे हमारी जहाज, तो वो काफी एम्बरेसिंग सिचुएशन होगी ना, उससे बचने के लिए इसको बनाया गया है वायुलेंस सिस्टम को, तो ये हेल्प करेगा प्रिवेंट कोलिजन वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट इज नेविगेट्स फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, तो नेवी को मिल चुकी है फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, तो आईएनएस वगैरह मिली है, तो प्रोजेक्ट 75 के अंदर क्या है कलवरी क्लास सबमरीन बनाई जा रही है, तो कलवरी क्लास सबमरीन क्या है वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ठीक है, कलवरी क्लास इज ए स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, एंड कलवरी क्लास के अंदर कौन कौन सी सबमरीन बनाई जा रही है, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस कारेंज, तो 300 के नाम पे होगी कलवरी खांडेरी कारेंज, उसके अलावा तीन ये है आईएनएस वेला, आईएनएस वगीर एंड आईएनएस वाक्सिर, यहाँ पे इसको वगीर को इंडेक्ट किया गया है रिसेंटली, ठीक है, तो वाक्सिर बच गई फिर, कलवरी क्लास में कितनी होगी 6 होगी, आप याद रख सकते हो, कलवरी क्लास में क्या है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाई है, उसमें डीजल ये डीजल इलेक्ट्रिक पावर पर बेस्ड हो गया, ये क्या करती है ये अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करती है और फिर इसको क्या है डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको सिंक कर देती है, इसलिए इनको कलवरी क्लास को बोला जाता है हंटर किलर टाइप ऑफ सबमरीन्स कहा जाता है इनको, तो कलवरी क्लास सबमरीन्स हैव कैपेबिलिटी टू ऑपरेट इन वाइड रेंज ऑफ नेवल कॉम्बैट इंक्लूडिंग नेवल वारशिप एंटी सबमरीन ऑपरेशन इंटेलिजेंस गैदरिंग सर्विस में ये काम कर सकती है, तो प्रोजेक्ट 75 के अंदर हम ये डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्ट 75 अप्रूव किया गया 1999 में अप्रूव किया गया बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा, ठीक है, उसमें हम 24 सबमरीन्स बना रहे थे इंडिजिनियसली बिल्ड करना थी बाय 2030 तक, प्रोजेक्ट 75 को 1999 में अप्रूव किया गया था जिसके अंदर क्या है हमें क्या है 24 सबमरीन्स बनानी थी 2030 तक, ठीक है, और इसके अंदर दो प्रोजेक्ट लगाए गए थे प्रोजेक्ट P75 एंड P75I, उसके अलावा इसमें 24 सैटेलाइट सेट जो 24 सबमरीन्स होंगे उनमें से क्या है 6 विल बी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स बनाएंगे हम, ठीक है, प्रोजेक्ट 75 हमने शुरू किया था 2005 में, 2005 में शुरू किया था फ्रांस के साथ मिलकर, हमने इसको शुरू किया था फ्रांस की एक कंपनी थी उसके साथ मिलकर, तो फ्रांस की कंपनी कौन सी थी डीसीएनएस कंपनी जिसको अभी बोला जाता है नेवल ग्रुप प्लस इंडिया की जो है मेजागन डॉक लिमिटेड है वो दोनों मिलकर क्या है ये सबमरीन्स बना रही थी, तो इनको सिक्स स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाने का इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2005 में, फिर 2017 में ये क्या है इसके अंदर प्रोजेक्ट 75 के अंदर जो सबमरीन बना रहे हैं वो क्या है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को वापस बार बार क्या है सरफेस पे आना पड़ता है ताकि वो ऑक्सीजन ले सके ताकि उसका ऑक्सीडेशन हो सके फ्यूल का, तो उससे बचने के लिए फिर हमने क्या है P75I प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, P75I के अंदर क्या है इंडिपेंडेंट एयर प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाएगा उसमें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में ताकि वो दो चार दिन तक क्या है समुद्र में पानी के नीचे ही रह सके और उसको ऊपर आने की जरूरत न पड़े, ठीक है, तो P75I में जो सबमरीन बन रही है वो क्या है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम पर बेस्ड है, डीजल सिक्स कन्वेंशनल सबमरीन है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होगी परंतु ये इनमें ये टेक्नोलॉजी लगी होगी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली, ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसके लिए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल अडॉप्ट किया था एंड उसमें क्या है इंडियन कंपनी है वो बाहर के जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होते हैं जैसे फ्रांस का ग्रुप है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है साइन कर रही है और ये सबमरीन्स बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हम क्या है इसमें हमने देखा इसके अलावा इंडिया के पास अभी कितनी है सबमरीन्स है तो फिफ्थ ऑफ द इंडिया सिक्स डेडलीस्ट सबमरीन्स डिलीवर्ड वागी टू बी 18th ऑफ द नेवी इन सर्विस फ्लीट होगी, ठीक है, तो कलवरी क्लास ये सबमरीन है फ्रेंच इसको डिजाइन किया गया है फ्रेंच के द्वारा एंड इसके अलावा सिंधु घोष क्लास सबमरीन है वो पुरानी है वो रशियन डिजाइन की है, देन शिशु कुमार है वो जर्मन डिजाइन की है शिशु मारी जर्मन डिजाइन, ठीक है, दोनों अटैक सबमरीन है एंड उसके अलावा इंडिया की अरिहंत है तो अरिहंत न्यूक्लियर पावर सबमरीन है इंडिया की हमने पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है, तो अरिहंत की जो है लेंथ कितनी है 111 मीटर है बाकी की हम लेंथ देखें तो वो 100 मीटर से कम है इसकी 62 है शिशु मार की इसकी 64 है लेंथ और इसकी जगह तो हम कलवरी क्लास वाले की लेंथ देखें तो वो कितनी है 67 मीटर है तो 67 मीटर तो अरिहंत सबसे लंबी है इसमें से हम देख सकते हैं कितनी लंबी है ये 111 मीटर लंबी है, ठीक है। नेक्स्ट इज आईएनएस मुर्मुगांव कमीशन तो इंडियन नेवल शिप मुर्मुगांव है जो कि एक क्या है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है तो मुर्मुगांव इज ए स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है तो ये है सेकंड वारशिप है प्रोजेक्ट P15B क्लास का, ठीक है, एंड इसको बनाया गया है मुर्मुगांव को मुर्मुगांव में 75% इंडिजिनियस कंटेंट है, ठीक है, तो ये क्या है एक आईएनएस मुर्मुगांव है वो क्या है विशाखापट्टनम क्लास का डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, इसके बारे में अभी देखते हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्ट 15 चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1990s में क्या है प्रोजेक्ट 15 चला गया था प्रोजेक्ट 15 P15 में हमने क्या है दिल्ली क्लास की क्या है डिस्ट्रॉयर डेवलप किया था दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर तीन दिल्ली क्लास के डिस्ट्रॉयर हमने बनाए थे, ठीक है, दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर में कौन कौन से हैं आईएनएस दिल्ली आईएनएस मैसूर एंड आईएनएस मुंबई तो तीन दिल्ली क्लास के ये सब डिस्ट्रॉयर बनाए गए हैं आईएनएस दिल्ली आईएनएस मैसूर एंड आईएनएस मुंबई, ठीक है, दिल्ली क्लास के फिर उसको अपग्रेड कर दिया गया था प्रोजेक्ट 15A में, ठीक है, प्रोजेक्ट 15 को अपग्रेड करके प्रोजेक्ट 15A बना दिया गया था तो प्रोजेक्ट 15A में क्या है हम तीन कोलकाता क्लास की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बना रहे हैं ये भी क्या है हम डिस्ट्रॉयर है ये सारे तो ये कोलकाता क्लास है तो 15A दिल्ली क्लास है नहीं 15 प्रोजेक्ट 15 इज दिल्ली क्लास प्रोजेक्ट 15A इज कोलकाता क्लास, ठीक है, तो कोलकाता क्लास में कौन कौन सी है कोलकाता क्लास में आईएनएस कोलकाता आईएनएस कोची एंड आईएनएस चेन्नई हम डेवलप कर रहे हैं कोलकाता क्लास में आईएनएस कोलकाता आईएनएस कोची एंड आईएनएस चेन्नई इज डेवलप इन P15 तो उसके अलावा फिर गवर्नमेंट क्या है प्रोजेक्ट 15B लॉन्च किया है प्रोजेक्ट 15B
प्रोजेक्ट 15 ए को भी अपग्रेड करके प्रोजेक्ट 15 बी के अंदर हम क्या है फिर विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर बना रहे हैं। विशाखापट्टनम में हम चार डिस्ट्रॉयर वारशिप बना रहे हैं, क्या बात है, 15 बी के अंदर हम चार विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर बना रहे हैं जिनका नाम है विशाखापट्टनम, मुरमगांव, इम्फाल एंड सूरत। INS विशाखापट्टनम, मुरमगांव, इम्फाल एंड सूरत। ठीक है, इनका डिजाइन प्रोजेक्ट 15 बी के अंदर क्या है, जो नया डिजाइन है कोलकाता क्लास को अपडेट करके इसको बनाया गया है। ठीक है, इसको बनाकर रहा है मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड विद इंडियन नेवी के साथ मिलकर बना रही है। इनको डिजाइन किया गया है वार्षिक डिजाइन ब्यूरो, इंडियन नेवी का पार्ट है वो। ठीक है, तो विशाखापट्टनम देख लिया, द्वारा से देख लेते हैं प्रोजेक्ट 15 ए। 15 में दिल्ली क्लास की है, 15 ए में कौन सी है, 15 ए में कोलकाता क्लास है और 15 बी में विशाखापट्टनम क्लास है। ठीक है, विशाखापट्टनम क्लास में विशाखापट्टनम, मुरमगांव, इम्फाल एंड सूरत डिस्ट्रॉयर बना रहे हैं। नेक्स्ट इज सेंटर इश्यूज एसओपी फॉर एम्प्लॉयज। तो अभी बहुत सारे साइबर अटैक हो रहे हैं, तो साइबर अटैक से बचने के लिए एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को जो कि डिफेंस से रिलेटेड या फिर अलग अलग मिनिस्ट्री से एम्प्लॉयज को एसओपी लॉन्च किया गया था। तो मालवेयर क्या होता है, मालवेयर इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर और इज एनी प्रोग्राम डिजाइन टू गेन एक्सेस ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, नॉर्मली फॉर बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम हैक कर लेते हैं चीजों को और थर्ड पार्टी के लिए हम उसको इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं, हैक करके हैकर यूज करता है उसको विदाउट द यूजर परमिशन। ठीक है, तो इसके बहुत मालवेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मालवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो इसमें पहला जो टाइप होता है मालवेयर का वो है वायरस। तो वायरस इज ए मैलिशियस एग्जीक्यूटिव, वायरस क्या होता है, एक एग्जीक्यूटेबल कोड होता है दैट जो किसी फाइल से अटैच होकर किसी सिस्टम में चला जाता है, पेन ड्राइव वगैरह हम डालते हैं तो उसमें वो चला जाता है। सॉरी, वायरस इज अ मैलिशियस एग्जीक्यूटेबल कोड दैट इज अटैच टू अनदर एग्जीक्यूटिव, जिसको एग्जीक्यूट किया जा सके उस फाइल पे अटैच हो जाता है। ठीक है, तो वायरस को होस्ट की जरूरत पड़ती है, तो हम जानते हैं कि वायरस अपने आप में एक्टिव नहीं रहता है, वायरस को किसी भी चीज एक्टिव होने के लिए किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार इसको क्या है किसी फाइल की जरूरत पड़ती है एक्जीक्यूट करने के लिए। वायरस स्प्रेड व्हेन ए इंफेक्टेड फाइल इज पास्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, यदि हम उसको चलाएंगे फाइल वगैरह को तो वो वायरस काम करेगा। ठीक है, वंस ए वायरस इज एक्टिव इट विल इन्फेक्ट द अदर प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। एक होता है वर्म, वर्म क्या होते हैं, वो कीड़े होते हैं। ठीक है, कीड़े की तरह वर्म मतलब कीड़े, तो दैट रेप्लिकेट सेल्फ, वो खुद से ही रेप्लिकेट करते हैं, एक बार सिस्टम में आकर वो अपने आप रेप्लिकेट करते रहते हैं, उनको हमें क्या है एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वायरस को एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वायरस नीड ए होस्ट प्रोग्राम टू रन बट वर्म worms can run by themselves, worm can run by themselves. तो worms क्या है, इतनी ज्यादा आप उसकी सेल्फ रेप्लिकेटिंग बहुत सारे कॉपी बना लेते हैं, जिस कारण क्या है जो कंप्यूटर है या फिर जो मोबाइल है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है, तो worms के कारण क्या है स्लो डाउन हो जाता है नेटवर्क। नेक्स्ट इज स्पाइवेयर, तो स्पाइवेयर है तो उसको स्टील करने के लिए इन्फॉर्मेशन का यूज किया जाता है, जैसे कि पेगासस है, पेगासस वाजी न्यूज, तो पेगासस किसका है, इजरायली कंपनी का है। ट्रोजन हॉर्स, तो ट्रोजन मूवी या ट्रॉय मूवी में देखा है, वो आप घोड़ा सा लेके जाया जाता है और उसको वो क्या है उसके मित्र की तरह दिखाई देता है, हार्मलेस चीज की तरह दिखाई देता है और वो एक्चुअल में उसके अंदर कुछ होता है। ठीक है, इसमें दिखता कुछ ऊपर से परंतु होता कुछ और है। तो ट्रोजन हॉर्स इज मालवेयर दैट कैरीज आउट मैलिशियस ऑपरेशन अंडर द अपीयरेंस ऑफ अ डिजायर्ड ऑपरेशन फॉर अ प्लेइंग गेम, यानी कि ये नकली गेम की तरह दिखाई देता है, कोई वायरस है उसमें से प्रोग्राम बनाया जाता है जो कि हम व्हाट्सएप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप की तरह वो दिखाई देने वाला एक ऐप की तरह दिखाई देने वाला होगा ट्रोजन हॉर्स, यदि हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो वो हमारा डेटा ले लेगा, हैक कर लेगा हमारा सिस्टम। तो नेक्स्ट इज लॉजिक बॉम्ब, तो लॉजिक बॉम्ब इज अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट यूजेस द ट्रिगर टू एक्टिवेट द मैलिशियस कोड, ये एक मैलिशियस कोड एक्टिवेट कर देता है एक प्रोग्राम का यूज करते हुए, तो मैलिशियस कोड दैट कैन कॉज द हार्म टू द कंप्यूटर, तो उसको कंप्यूटर को हार्म कर सकता है, लॉजिक बम बना रहा है। रैंडमवेयर, रैंडमवेयर यानी कि ये फिरौती मांगने के लिए यूज किया जाता है, इसमें कंप्यूटर को क्या है हैक करके उसमें लॉक कर दिया जाता है हैकर के द्वारा और फिर वो उससे रैंडम की मांग करते हैं, तो इट ग्रैब्स ए कंप्यूटर और डेटा इज इट कंटेंस, तो उसको क्या है ये लॉक कर देते हैं और उसको अनलॉक करके जब वो उससे पैसे ले लेंगे। ठीक है, एनक्रिप्ट द डेटा। द नेक्स्ट इज बैकडोर, तो बैकडोर इज ए बैकडोर बाय पास द यूजुअल ऑथेंटिकेशन यूज टू एक्सेस सिस्टम। तो बैकडोर में क्या होता है कि एक काइंड ऑफ सिस्टम होता है जिसमें हमें पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके बिना लॉगिन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ए बैकडोर बाय द बैकडोर बाईपास द यूजुअल ऑथेंटिकेशन यूज टू एक्सेस सिस्टम। ठीक है, तो इसको मैंने यूज किया जाता है फ्यूचर में हमें एक्सेस की जो पड़ती है तो एक द्वारा इसको यूज किया जाता है, ये मतलब कोई छुपा हुआ रास्ता होता है बैकडोर। तो रूट किट क्या होती है, रूट किट करती है तो मॉडिफाई करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, जैसे कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको मॉडिफाई करती है एंड्रॉइड वगैरह को, इसका यूज किया जाता है बैकडोर बनाने के लिए। एक बार बैकडोर बन गया तो फिर वहां से क्या है हैकर इन्फॉर्मेशन चुरा सकते हैं। नेक्स्ट इज कीलॉगर है, कीलॉगर जब हम मोबाइल में टाइप करते हैं कुछ भी तो कीलॉगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इसको सब रिकॉर्ड करता है। ठीक है, कीलॉगर रिकॉर्ड व्हाटएवर वी आर टाइपिंग, पासवर्ड वगैरह हम जो भी टाइप करते हैं, डेट वगैरह हम जो भी करते हैं, वो सारा डेटा रिकॉर्ड कर लेता है और भेज देता है हैकर को। ठीक है, तो हैकर इसमें क्या बोलेंगे कीलॉगिंग प्रोग्राम को भेजता है सोर्स को। नेक्स्ट इज युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास इंडिया यूएस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास एडिशन यूएस का। नेक्स्ट इज बॉर्डर मैनेजमेंट, तो बॉर्डर मैनेजमेंट का काम किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉर्म अफेयर का है, तो इसमें बहुत सारी स्कीम चलाती है। ठीक है, तो पहली स्कीम इसमें दी हुई है वो बीम स्कीम दी हुई है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम। तो इट इज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम इज ए सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है कंपाइजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इसमें क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है बॉर्डर के अलावा। ठीक है, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीजन के द्वारा, इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीजन का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का पार्ट है। इसका काम क्या है, तो बॉर्डर के अलावा सिक्योरिटी को एनहांस करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है, जैसे कि बॉर्डर फेंस है, बॉर्डर रोड है, बॉर्डर फ्लड लाइट है, बॉर्डर आउटपोस्ट है, वो सब हेलीपैड वगैरह इसका बनाना है, ये सब बनाया जा रहा है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा इसमें स्कीम में। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट स्कीम, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या है, वुमन को यूज किया जाता है विद टेक्नोलॉजी ताकि हम कॉम्प्रिहेंसिवली बॉर्डर को कवर कर सकें,
तो इसमें हैज बीन कॉन्सेप्टलाइज्ड टू इंटीग्रेट मैन पावर सेंसर नेटवर्क इंटेलिजेंस कमांड कंट्रोल सिस्टम सब का यूज करते हुए हम कैमरा रडार वगैरह सेंसर वगैरह सब का यूज करते हुए कॉम्प्रिहेंसिवली हमें बॉर्डर को मैनेज करना है। इंडिया इसको डिप्लॉय कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर टू चेक। नेक्स्ट इज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, दे आर आर्म पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्री और कंट्री है। तो इसमें कौन कौन सी आती है, असम राइफल है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एनएसडी है, एसएसबी है। तो असम राइफल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, ये इंडस्ट्री को सिक्योरिटी देती है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस है, ये इसकी जो प्रत्येक रिजर्व में होती है। तो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के बारे में हम पढ़ेंगे। एनएसडी तो प्राइम मिनिस्टर वगैरह उनको सिक्योरिटी देने का काम करती है। एनएसडी दैन एनएसडी है वो इंडिया की काउंटर टेररिज्म के लिए एक बड़ी है। 2008 के बाद बनाई थी एनएसडी को। दैन सस्ता सीमा बल दिया, ठीक है। तो ये सारी है वो क्या है, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, उनको पैरामिलिट्री फोर्स भी कहा जाता है। दे आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर लाई जाती है। परंतु असम राइफल है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, वो असम राइफल का है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास है, परंतु जिसका ऑपरेशनल कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है, ठीक है, असम राइफल का। बाकी है उनका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, दैट लाइज़ विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। तो बॉर्डर मैनेजमेंट का काम हमने देखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। सीएपीएफ का काम क्या है, गार्ड करती है। सीएपीएफ इज गार्डिंग अवर बॉर्डर ऑन असम राइफल है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, ठीक है। असिस्ट करती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। जब दंगे वगैरह हो जाते हैं तब रैपिड एक्शन फोर्स भेजी जाती है टू डील विद राइट। रैपिड एक्शन फोर्स इज टू मैनेज द राइट। दैन कोबरा किस लिए है, कोबरा को डिप्लॉय किया गया एक्सट्रीमिज्म और इंसर्जेंसी वाले एरियाज में, नक्सल वाले एरियाज में डिप्लॉय किया गया कोबरा को। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन कोबरा, ये भी सीएपीएफ का पार्ट है। इट प्रोवाइड द जो वाइटल इंस्टॉलेशन है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको सिक्योरिटी देती है, ठीक है। एटॉमिक पावर प्लांट हो गए, एयरपोर्ट हो गए, सीआईएसएफ देती है उनको सिक्योरिटी। दैन एनएसडी इज स्पेशलाइज्ड स्ट्राइक, स्पेशलाइज्ड स्ट्राइक फोर्स कंट्री की काउंटर टेररिज्म एंटी हाईजैकिंग, इसके अलावा ये प्रोवाइड करती है एनएसडी है वो हाई रिस्क वीआईपी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये प्रोवाइड करती है स्काई मार्शल, तो इट एक्ट्स एज़ स्काई मार्शल फॉर सिक्योरिंग द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एनएसडी है वो स्काई मार्शल की तरह भी काम करती है, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट है उनको भी सिक्योर करने का काम इसका है, एनएसडी का है, ठीक है। नेक्स्ट इज बिग इंफ्रास्ट्रक्चर पुश फॉर बॉर्डर विलेज। अभी रिसेंटली क्या है, होम मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर जी ने क्या है एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। किबुटू विलेज तो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट विलेज है, इन किबुटू अरुणाचल प्रदेश में, वहां से इसको लॉन्च किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो उसमें क्या है, जो इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर है उसमें हम क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। तो इसका बजट कितना है, 48,000 करोड़ है, 4800 करोड़ रुपए इसका बजट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, ठीक है। इसको 2022-23 से लेकर 2025-26 तक ये प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। एंड इसमें प्रोग्राम में आल्सो आईटीबीपी के अंदर क्या है, ठीक है, ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसको इनिशियली लॉन्च किया गया बजट 2022 के स्पीच में, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था पिछले साल के स्पीच में, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बॉर्डर विलेजेस है नॉर्दर्न बॉर्डर में जहां पे कम पॉपुलेशन है, जहां पे कनेक्टिविटी कमजोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे क्या है इन सब बातों को इंप्रूव किया जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने 4800 करोड़ रुपए दिए हैं। तो इट विल कवर किस कौन से एरिया को कवर करेगा, इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर में हम देखें तो लद्दाख से हिमाचल प्रदेश, लद्दाख देन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के नीचे उत्तराखंड है, देन इट विल कवर सिक्किम को कवर करेगा, अरुणाचल प्रदेश को कवर करेगा। तो 5-4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी को कवर करेगा, ठीक है। इट विल कवर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख, ये इन पांचों को कवर करेगा। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलप दिस विलेज बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वहां पे उन लोगों उन गांव में क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि वहां के लोग है वो आउट माइग्रेट ना करें, वहां पर ही रहें, ताकि वो गवर्नमेंट को जो बॉर्डर मैनेजमेंट वो हमारे कान नाक बने रहें, वो हमारी हेल्प करें, ठीक है। तो पीपल गवर्नमेंट का एम है कि जो लोग रह रहे हैं, नेटिव लोग रह रहे हैं, वो वहीं पर रहें एंड दे कंट्रीब्यूट टू इंप्रूव बॉर्डर सिक्योरिटी। इंप्लीमेंटेशन के लिए इसका जो काम है वो वहां की पंचायत है वो उसको असिस्ट करेगी, सिविलियन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पंचायत है वो असिस्ट करेगी इन डेवलपिंग दिस। तो इनमें क्या है, 100% जो कन्वर्ट किया जाएगा, सेंट्रल स्टेट का जो पैसा दे रही है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो पैसा आ रहा है उनको कन्वर्ट किया जाएगा। इसको 19 डिस्ट्रिक्ट में अभी लागू किया जाएगा एंड पहले फेज इसको ओवरऑल जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो ओवरऑल 2963 विलेजेस को कवर करेगा, 2963 विलेजेस को कवर करेगा, जिसमें से फेज वन में 600 से ज्यादा विलेजेस आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ऑल वेदर रोड बनाई जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर 24/7, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, विंड एनर्जी एंड मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी इन एरियाज में प्रोवाइड की जाएगी। तो ये 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरीज में लागू होगा ये प्रोग्राम। इसके अलावा यहाँ पे जो बच्चों होंगे स्टूडेंट्स को सीमा दर्शन कराया जाएगा बॉर्डर का, उससे क्या है वो टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत इसको असिस्ट करेगी, इसको जो प्रोग्राम होगा वो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ ये ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, उससे सेपरेट पार्ट है। ये हमारा होगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, अभी लॉन्च किया था रिसेंटली, तो इसलिए न्यूज़ में था, काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा अप्रैल के मंथ पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज स्टेटेड दैट जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है विल नॉट ओवरलैप विद बॉर्डर एरिया प्रोग्राम। तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का है, वहां पे बॉर्डर एरिया को डेवलप कर रही है गवर्नमेंट। उसमें क्या है, जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का एम क्या है, टू मीट स्पेशल डेवलपमेंट नीड ऑफ पीपल लिविंग इन द रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरिया विद इन द 0 सेकंड। तो इसमें क्या है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके 10 किलोमीटर तक का एरिया है, वहां पे उनको डेवलप किया जा रहा है बॉर्डर द्वारा। इसमें क्या है, इट इज कवरिंग 460 बॉर्डर ब्लॉक्स इन 16 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज में, ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट का काम चल रहा है। नेक्स्ट इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो ये हमारे बॉर्डर देखें तो इसमें हम कौन कौन सी इंडिया की बॉर्डर के अलावा कौन कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी प्रोवाइड करी है, जैसे हम देखें तो बीएसएफ लगी हुई है बांग्लादेश के अंदर बॉर्डर पे, बांग्लादेश बॉर्डर पे बीएसएफ को इंस्टॉल किया गया है। इधर नोटिस में देखें तो सस्ता नोटिस में कौन है, असम राइफल है इधर। दैन चाइना वाले बॉर्डर पे हमने ये देखा है आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। एंड नेपाल और भूटान की बॉर्डर पे इसको इंस्टॉल किया गया है
सत्तर सीमा बल को नेपाल एंड भूटान बॉर्डर पे, ठीक है। तो आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, इट इज स्पेशलाइज्ड आर्म पुलिस फोर्सेस ऑफ नेशन, एंड इसको बनाया गया था 1962 में जो वार हुआ उसके बाद में इसको बनाया गया था चाइना के साथ में। तो इट गार्ड्स 3488 किलोमीटर बॉर्डर है, इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है उसको गार्ड करती है। कहां से शुरू होकर काराकोरम पास इन लद्दाख टू चेलेपला पास इन अरुणाचल प्रदेश तक गार्ड करती है, एंड द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया में भी इसको कभी कभी डिप्लॉय किया गया है। तो आईटीबीपी है दैट इज फर्स्ट रेस्पॉन्डर इन द तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, दैट इज द फर्स्ट रेस्पॉन्डर फॉर एनी काइंड ऑफ नेचुरल क्लैमिटी इन हिमालय रीजन। हिमालय रीजन में कोई भी क्लैमिटी आ जाती है तो पहला जो रिस्पॉन्डर है वो आईटीबीपी है, एंड इसका हेडक्वार्टर है आईटीबीपी का वो है न्यू दिल्ली में है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, सीएपी का हम देख चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो कंट्रोल है वो अमित शाह के पास आ जाता है। नेक्स्ट इज थिएटर कमांड। तो थिएटर कमांड इज एक छोटी सी टुकड़ी होती है जिसमें तीनों होती है आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों ही पार्ट होती है थिएटर कमांड का, एंड इसको हम डेवलप करें वेस्टर्न थिएटर कमांड नॉर्दर्न थिएटर कमांड वेस्टर्न थिएटर कमांड पाकिस्तान बॉर्डर नॉर्दर्न थिएटर कमांड चाइना बॉर्डर देन मेरी टाइम थिएटर कमांड इंडियन एसोसिएशन में बनाएगा। थिएटर कमांड को रिकमेंड किया गया था क्या हो रहा है इसको दोनों थिएटर कमांड को रिकमेंड किया गया था कारगिल वार कमेटी एंड डीबी सेक्टर एकात्मक कमेटी है उन दोनों ने इसको रिकमेंड किया था। तो बहुत कारगिल रिव्यू कमेटी एज वेल एज डीबी सरकार का कमेटी है दोनों ही इसको रिव्यू किया इसको रिकमेंड किया था थिएटर लेवल कमांड को। नेक्स्ट इज लिस्ट वुमेन लार्जेस्ट वुमेन कॉन्टिजेंट ऑफ पीस के ऊपर एट यूएन मिशन। तो अभी इंडिया ने क्या है वुमेन का एक कॉन्टिनेंट भेजा है कॉन्टिजेंट भेजा है यानी कि वुमेन की टुकड़ी को भेजा गया है अफ्रीका के अबई रीजन में। तो अभी कहाँ पे लाइक करता है अभी लाइक करता है सुडान वाले प्रोविंस में सुडान के पास में अभी जो प्रोविंस है वो दैट इज लाइंग इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न सुडान वाले रीजन में लाइक करता है। सुडान इज वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ पे अंडरस्ट हो गया अभी इंडिया की ट्राइब है वो भी वहाँ पे फंस चुकी है कोडो ट्राइब आई थिंक उसके लोग। तो यहाँ पे क्या है इंडिया ने अपना वुमेन का एक टुकड़ी भेजा है एज ए पीस कीपर्स, ठीक है। इंडिया ने अपना फर्स्ट एवर ऑल वुमेन कॉन्टिजेंट जो सीआरपीएफ की जो वुमेन्स पुलिस फोर्स भेजी थी लिबेरिया में भेजी थी 2007 में कब भेजी थी 2007 में तो ये पहला तो नहीं है 2007 में हम पहले ही भेज चुके हैं ऑल वुमेन कॉन्टिजेंट, ठीक है। इसके अलावा किरण बेदी है मेजर सुमन गावेल शक्ति देवी यहाँ पे सर्व कर चुके हैं इनमें पीस कीपर्स में, ठीक है। यहाँ पे जो वुमेन प्लाटून भेजी गई है दैट विल प्रोवाइड द रिलीफ एंड असिस्टेंस टू लोकल वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, अंडर द फ्लैग ऑफ यूएन। तो ये यूएन पीस कीपिंग का काम है यूएन के फ्लैग के अंदर होता है, ठीक है। इनको ब्लू बेरेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन एरियल वार गेम्स। तो अवनी चतुर्वेदी है वो इंडिया की फाइटर पायलट है उसने पार्टिसिपेट किया था वीर गार्डियन एक्सरसाइज 2023 में। ये पहली वुमेन फाइटर पायलट बन गई है टू पार्टिसिपेट इन एरियल वार गेम दूसरे देश में कहीं पे भी। नेक्स्ट इज ईसीम ईसीम नहीं है ईएमएसएस है ईसीम आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा ईसीम अलग है दैन ई ये क्या है एमएमएस एंड समर पोर्टल लॉन्च किया गया है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएसएस ईएमएमएस की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम एंड समर पोर्टल है इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर एडवांस मैनुफैक्चरिंग असेसमेंट एंड रेटिंग पोर्टल। इसमें क्या होता है ईएमएमएस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स डिजिटल एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है ये। इसमें जो है देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है इंडियन एयरफोर्स के लिए इसको डेवलप किया गया है इन दोनों सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के पास बहुत सारे जहाज है, ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट है तो उनमें उनका कैसा रख रखाव करना है उनका कैसे मेंटेन करना है किसको कब मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है किसको रिपेयर करना है तो वो सारा डेटा इसमें फिट किया जाएगा उसमें हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस में ये हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरा है समर पोर्टल। तो समर पोर्टल क्या है इट इज अ सिस्टम फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट एंड रेटिंग पोर्टल। जो एयरफोर्स के लिए जो खरीदा जाएगा एयरक्राफ्ट खरीदती है गवर्नमेंट जैसे राफेल खरीदा गया है तो उनमें क्या है वो उच्च क्वालिटी का है नहीं है उसकी क्वालिटी टेस्टिंग की जाएगी और उसको रेटिंग किया जाएगा, ठीक है, उसके लिए उसमें हेल्प करेगा समर पोर्टल, ठीक है। तो समर इज ए पोर्टल ऑफ डीआरडीओ एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है इसको। समर इज ए पोर्टल ऑफ डीआरडीओ एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है। इट मेजर्स द कॉम्पिटेंसी ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की कॉम्पिटेंसी को मेजर करेगा जैसे कि कोई कंपनी है रिलायंस कंपनी यदि कोई जहाज वगैरह बना रही है तो उसकी वो कॉम्पिटेंसी वो कॉम्पिटेबल है या नहीं उस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए उसको ये चेक किया जाएगा समर पोर्टल में, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन 69 ए ऑफ आईटी एक्ट। सेक्शन 66 तो हम जानते हैं कि श्रेया सिंगल केस में रिपील कर दिया गया था 66 ए था वो ये 69 ए एक्ट है। तो सेक्शन 69 ए एक्ट है वीक न्यूज में रहा था आईटी एक्ट का सेक्शन 69 ए। तो रिसेंटली क्या है मेती ने ऑर्डर इशू किया था कुछ एप्स का बैन करने के लिए, ठीक है। तो कुछ चाइनीज एप है वो हमारे डेटा चुरा रहे थे तो उसको बैन कर दिया है मेती के द्वारा, ठीक है। इनको रिकमेंड किया था बैन करने का अमित ने मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ने इसको रिकमेंड किया था। इशू कौन इशू करता है ऑर्डर इसमें पावर किसको दी गई है सेक्शन 69 ए के अंदर पावर दी गई है आईटी एक्ट 2000 के अंदर इसको जो पावर है वो मेती के पास है, ठीक है। रिकमेंड कौन करता है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर उसके अंदर इनको मनी लैंडिंग एप्स को बैन किया गया था। तो इसके अंदर क्या है बोथ इट गिव्स द पावर टू द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन इशू द डायरेक्शन फॉर द मॉनिटरिंग एंड मॉनिटरिंग डिक्रिप्टिंग ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट ब्लॉकिंग का ऑर्डर दिया जा सकता है इस एक्ट के अंदर सेक्शन 69 के अंदर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है वो कंटेंट ब्लॉकिंग का ऑर्डर भी दे सकती है किसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वेब होस्टिंग सर्च इंजन ऑनलाइन मार्केट प्लेसिंग को ऑर्डर दिया जा सकता है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। एंड कब ये सेक्शन 69 इन्वोक किया जा सकता है तो इसको इन्वोक तभी किया जा सकता है इसको इन्वोक करने के जो सारे जो है क्लॉजेस है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जो क्लॉजेस है हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19(2) का पार्ट उसमें जो भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं उसमें सारा उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है पावर का जैसे कि रिस्ट्रिक्ट किया जाता है बेसिस ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया डिफेंस ऑफ इंडिया सिक्योरिटी ऑफ इंडिया फ्रेंडली रिलेशन विद अदर स्टेट्स पब्लिक ऑर्डर
ठीक है. नेक्स्ट इज इंडिया यूएसए एक्सरसाइज हुई थी तर्कस. तो तर्कस इज एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस के बीच में एक्सरसाइज हुई है. एंड ये है स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज हुई है. इंडिया की तरफ से एनएसडी ने पार्टिसिपेट किया इसमें एंड यूएस की तरफ से स्पेशल ऑपरेशन ने पार्टिसिपेट किया था. पहली बार इसमें क्या है केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टेरर रिस्पॉन्स ड्रिल की गई थी. इसमें क्या है सिमुलेशन किया जा रहा है एक्सरसाइज को ड्रिल किया जा रहा है. इसमें केमिकल अटैक हो जाए या फिर बायोलॉजिकल अटैक हो जाए या फिर रेडियोलॉजिकल या फिर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो हमें क्या करना है तो ये फोर्सेस को कैसे ऑपरेट करेगी तो वो सारा इसमें ड्रिल में इंटर किया जाता है. तो ये पहली बार इसमें ये इससे रिलेटेड ड्रिल की गई थी. तो सीबीआरएन क्या है सीबीआरएन इज जो हमने देखा था केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स है. दे आर ए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है. तो केमिकल वेपन में कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बहुत लार्ज स्केल पे हमें हार्म कर सकते हैं. दीज आर द केमिकल दैट आर डिजाइन टू रिलीज द टॉक्सिक केमिकल दैट कैन कॉज सीवियर इंजरी और डेथ टू पीपल एनिमल और प्लांट. उनको बोला जाता है केमिकल वेपन. केमिकल वेपन के एग्जांपल है नर्व एजेंट है ब्लिस्टर एजेंट चोकिंग एजेंट मस्टर्ड गैस ब्लड एजेंट. तो मैंने ये इनको सबको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है लाइक आरटीक्यू सेक्शन में एक वीडियो में इसको डिस्कस किया है. तो नर्व एजेंट ब्लिस्टर एजेंट चोकिंग एजेंट मस्टर्ड गैस एंड ब्लड एजेंट ये क्या है केमिकल वेपन के टाइप है. इसके अलावा सीरीन गैस भी है वो भी केमिकल वेपन है सीरीन गैस. ठीक है. बायोलॉजिकल एजेंट पे क्या होते हैं वायरस है माइक्रोबैक्टीरिया हो सकता है कोविड हो सकता है जैसे कि तो ऐसे वायरस तो फैल जाए तो बहुत सारे लोगों को डेथ करें उनको बायोलॉजिकल वेपन कहा जाता है. इट इंक्लूड एंथ्रेक्स. तो बायोलॉजिकल वेपन का एग्जांपल क्या है बायोलॉजिकल एजेंट का एग्जांपल है एंथ्रेक्स स्मॉल पॉक्स बोचुलिज्म टॉक्सिन एंड इबोला वायरस है. ये सारे क्या है इबोला एंथ्रेक्स स्मॉल पॉक्स एंड बोचुलिज्म दे आर टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट. ठीक है. तो एंथ्रेक्स काज फीवर. एंथ्रेक्स के कारण क्या फीवर हो जाता है मेनिंजाइटिस कफ सोप डेथ हो जाती है विद इन 36 आवर. तो 36 घंटे में एंथ्रेक्स के इन्फेक्ट होने के बाद डेथ हो जाती है. देन मस्टर्ड गैस होती है वो केमिकल एजेंट है. मस्टर्ड गैस डैमेज करती है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करती है स्किन आईज को. जबकि नर्व एजेंट है वो हमारे ब्रेन को डैमेज करते हैं एंड इट कैन लीड टू अनकॉन्शियसनेस डिफिकल्टी एंड इवेंचुअली मे डाई. देन रेडियोलॉजिकल वेपन है इनमें रेडिएशन का यूज किया जाता है. इसका एग्जांपल है डर्टी बॉम्ब. डर्टी बॉम्ब यूक्रेन ने अक्यूज किया था रशिया को कि डर्टी बॉम्ब्स में बहुत सारी चीजें होती है जो कि वेस्ट होता है न्यूक्लियर वेस्ट उसमें डाला जाता है. न्यूक्लियर वेपन में एटॉमिक बॉम्ब उसका हाइड्रोजन बॉम्ब उसका है. तो सीरीन गैस अटैक किया गया था सीरिया पे. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज थर्मा गार्डियन. तो एक्सरसाइज हमारी थर्मा गार्डियन के साथ इंडिया यूएसए की बायलेटरल एक्सरसाइज है ये होती रहती है. तो अभी क्या है वीर गार्डियन को पहली बार हुआ था. वीर गार्डियन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान के बीच की एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज. इसको जनवरी 2023 में ये पहली बार हुई थी मेडन एक्सरसाइज वीर गार्डियन. ठीक है. मालाबार एक्सरसाइज है पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हो रही है इस बार. तो इसमें ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान यूनाइटेड स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं मालाबार एक्सरसाइज में. जाइमेक्स है वो जापान इंडिया जापान और इंडिया की क्या है नेवी की एक्सरसाइज है मेरी एक्सरसाइज है. देन सहयोग कांजिन है सहयोग काइजिन ये इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान की कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है सहयोग. देन सिनियो मैत्री है ये इंडियन एयरफोर्स एंड जापान की जो ग्राउंड डिफेंस सेल्फ डिफेंस फोर्सेज उनके बीच की एक्सरसाइज है. कोप इंडिया है कोप इंडिया इज एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड यूएस की एयरफोर्स है उसकी है. तो कोप इंडिया इज इंडिया एंड यूएस की है एयरफोर्स की एक्सरसाइज है. तो जापान ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है. तो कोप में 3 कंट्रीज की होगी. ठीक है. तो कोप में 3 कंट्री है इंडिया यूएस एंड जापान. ठीक है. एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग. तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग है ये हमारी किसके साथ है तो इसमें इसमें मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है डेजर्ट फ्लैग मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जिसमें यूएई फ्रांस यूके यूएसए कोरिया स्पेन मोरक्को बहरीन यूके ऑस्ट्रेलिया कुवैत यूएई फ्रांस इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है. ठीक है. इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था एंड पहली बार तेजस ने जो हमारा लाइक एलसीए तेजस है उसने पहली बार किसी ऐसी एक्सरसाइज में बाहर वाली कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया है आउटसाइड इंडिया. तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है इसको डेवलप किया गया एचएल के द्वारा डिजाइन एंड डेवलप बाय एचएल. ठीक है. इसको रिप्लेस करना था MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए इसको LCA-21 को लाया गया था एंड इसको इंडियन एयरफोर्स में 2016 में इंडक्ट कर दिया गया था. तो एलसीए तेजस है ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट इन इट्स क्लास यानी कि इसकी क्लास में ये सबसे वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है. इट इज अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट विद ए मैक्स स्पीड ऑफ 1.6 टू 1.8. तो इसकी मैक्स स्पीड कितनी है 1.6 से 1.8 तक ये पार्टिसिपेट ये फ्लाई कर सकता है एंड इट कैन फ्लाई एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 52,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है ये. ठीक है. तो ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट है इन इट्स कैटेगरी दैट कैन फ्लाई विद सुपरसोनिक स्पीड. तो ये था हमारा डिफेंस का पोर्शन. धन्यवाद.